सिविल अभियंताओं का 37वां राष्ट्रीय सम्मेलन एवं अधिवेशन 16-17 अक्टूबर को इंदौर में संपन्न होगा, जिसमें 300 से ज्यादा इंजीनियर और विद्यार्थी शामिल होंगे। अधिवेशन एवं सम्मेलन के आयोजन में अध्यक्ष इंजीनियर आरपी गौतम एवं आयोजन सचिव दीपक शाह ने बताया कि यह आयोजन सिविल इंजीनियरिंग में एक नया अध्याय होगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंदौर लोकल सेंटर में जो हम आयोजन कर रहे हैं 2 दिन का 16 और 17 अक्टूबर को सिविल इंजीनियरिंग नेशनल कन्वेंशन और नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें देश भर के विख्यात इंजीनियर्स वो भाग ले रहे हैं। करीब करीब जो विख्यात इंजीनियर्स हैं वो करीब 50 के आसपास हैं जो विख्यात इंजीनियर्स हैं। बाकी जो हमारे इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स हैं वो हैं, और बाकी जो शहर के दूसरे जो नॉन मेंबर हैं वो भी आ रहे हैं। तो वो टोटल मिला के 400 लोग के आसपास हमारे इसमें आयोजन में आने वाले हैं। और जो विशिष्ट जो सत्र है उसमें 2 स्पीचेस हैं। एक तो जय कृष्ण मेमोरियल लेक्चर है, जिसमें नीलिमा सत्यम IIT इंदौर की हैं, वो एक विशेष स्पीच देंगी। और एक जो है डॉक्टर अभय गुप्ता, वो स्टेट ऑफ द आर्ट सब्जेक्ट पे बोलेंगे। वो इंजीनियरिंग का भविष्य क्या है, आगे कैसे होना है, क्या कहाँ से आया, वो सब उसके बारे में बातचीत करेंगे। स्टूडेंट ये देखिए, इसमें क्या है कि स्टूडेंट मेंबर भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, सभी तरह की कैटेगरीज हैं। तो सब मिला के स्टूडेंट तो मेरे ख्याल से 10-15% होंगे। बाकी जितने इंजीनियर हैं, सीनियर इंजीनियर्स काफ़ी, जो जिनका 40-40, 50-50 साल का अनुभव है इस क्षेत्र में, वो लोग मौजूद रहेंगे। वो करीब 50 से ऊपर हैं। बाहर से कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, इसमें हिमाचल प्रदेश से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, कर्नाटक से आ रहे हैं, सारी स्टेटों से आ रहे हैं ऑलमोस्ट। क्योंकि हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन बोर्ड है उसमें सब स्टेट्स का प्रतिनिधित्व है, तो करीब करीब इसमें हमारे 40 बोर्ड मेंबर्स हैं सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन में, तो वो लोग आ रहे हैं। उसके अलावा हमने इसमें एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड रखा है, जो ऑल इंडिया बेसिस पे अलग अलग क्षेत्रों से दिया जा रहा है, जैसे कि इंडस्ट्री से है, एकेडमिक से है, फिर R&D से है और गवर्नमेंट सेक्टर से। तो उसमें 4 जो देश के इस साल के विख्यात लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, उनको अवार्ड दे देंगे।